हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास इपिक गेम्स लॉन्चर में ये एरर आ रहा है तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। दोस्तों, मैं इस चैनल पर टेक से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाता हूँ, यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज़ भी जो है बनाता हूँ, तो आप जो है चैनल में जाकर शॉर्ट के सेक्शन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमेंड प्रॉम्प्ट, उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक कर कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहां पर एक कमेंड टाइप करना है। इस तरीके से आपको कमेंड टाइप करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। फिर आपको यहां पर एक और कमेंड टाइप करना है। इस तरीके से आपको यहां पर टाइप कर कर फिर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको कमेंड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों आपको विंडोज़ में रन कमांड ओपन करना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको आर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रन कमांड ओपन हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप करना है, फिर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इपिक गेम्स लॉन्चर फोल्डर, फिर आपको उसको सेलेक्ट कर कर यहाँ पर से आप इजीली उसको डिलीट के ऊपर क्लिक कर कर उस फोल्डर को डिलीट कीजिए। मैं यहाँ पर इस फोल्डर को ऑलरेडी डिलीट कर दिया हूँ, तो यहाँ पर अभी ये शो नहीं हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर इस विंडो को क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप जो है आपके पास जो भी गेम में ये एरर आ रहा है तो आप उस गेम को अनइंस्टॉल कीजिए। अनइंस्टॉल कर कर फिर से आप उसको रीइंस्टॉल कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को रीस्टार्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।